सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज तांडव पर विवादों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन प्राइम वीडियो की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को गिरफ्तारी से राहत दे दी है। कोर्ट ने अपर्णा से कहा है कि वह जांच में सहयोग करे। तांडव में विवादित सीन्स पर लखनऊ में दर्ज FIR में अपर्णा का भी नाम है। उनकी इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया था, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने शुक्रवार को अपर्णा को राहत देते हुए अर्जी पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस पर भी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि इन गाइडलाइंस में कोई दम नहीं है क्योंकि इनमें मुकदमा चलाने का प्रोविजन नहीं है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइंस की बजाय कानून बनाना चाहिए। इस मामले में सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार सही कदम उठाने पर विचार करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी भी रेगुलेशन के बारे में कोर्ट को बताया जाएगा। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि OTT प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट की स्क्रीनिंग हो, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म पर तो पोर्नोग्राफी भी दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए बनी नई गाइडलाइन को सौंपने को भी कहा था। सैफ अली खान, मोहम्मद जीशान अयूब और डिंपल कबाड़िया स्टारर तांडव वेब सीरीज जनवरी में अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। इसके कुछ सीन्स पर आपत्तियां उठी थी। इनमें हिंदू देवी देवताओं के अपमान, पुलिस की गलत छवि दिखाने और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद की गरिमा से खिलवाड़ करने के भी आरोप लगे थे। आपको बता दें कि OTT प्लेटफॉर्म का क्रेज और डिमांड बीते साल से ही दर्शकों के बीच काफ़ी तेजी से बढ़ी है। इसी के चलते भारत में इन प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज और फिल्मों में दिखाए जाने वाले कंटेंट को लेकर भी काफ़ी सारे बवाल हो चुके हैं, जिसे लेकर अब भारत सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। इन सब में सबसे ज्यादा आग पकड़ने वाला मुद्दा था राजनीति पर आधारित वेब सीरीज तांडव, जिसे इसी साल 15 जनवरी 2021 को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज किया गया था। रिलीज के बाद से ही फिल्म के कुछ सीन्स को लेकर सोशल मीडिया पर काफी विवाद हो गया था। अब अमेजॉन प्राइम ने अपनी ओरिजिनल वेब सीरीज तांडव के लिए बिना शर्त दर्शकों से माफी मांगी है। सैफ अली खान, मोहम्मद जीशान अयूब स्टारर इस सीरीज के कई दृश्यों को लेकर खासा विवाद पैदा हो गया था। अमेजॉन प्राइम वीडियो ने दर्शकों से माफी मांगते हुए अपने बयान में साफ किया है कि उन्हें अत्यंत खेद है कि इस फिक्शनल सीरीज के कई दृश्य दर्शकों को आपत्तिजनक लगे, भावनाओं को ठेस पहुंचाना उनका मकसद नहीं था। जैसे ही उन्हें सीन्स के बारे में पता चला तो उसे सीरीज से तुरंत हटा दिया गया था। दर्शकों की विविध भावनाओं को अमेजॉन प्राइम वीडियो सम्मान करता है और बिना शर्त उन सभी से माफ़ी मांगता है जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। कंपनी ने माफीनामे में साफ किया कि भारतीय कानूनों का अनुपालन करते हुए और दर्शकों की संस्कृति और आस्थाओं का सम्मान करते हुए वो आगे भी दर्शकों के लिए मनोरंजक टॉपिक्स लेकर आने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गौरतलब है कि ये माफीनामा सरकार के OTT प्लेटफॉर्म को लेकर बनाए गए नियमों के बाद जारी किया गया है।